ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ट्रांसजेंडर कैसे पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं। कभी कभी हम तो ऐसी गलतियां नहीं कर देते कि ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए। ट्रांसजेंडर लोग आमतौर पर वह होते हैं जिन्हें ना तो पुरुष और ना ही महिला की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ट्रांसजेंडर लोगों में पुरुष और महिला दोनों के ही गुण हो सकते हैं। ऊपर से पुरुष दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति में इंटरनल ऑर्गन और गुण महिला के हो सकते हैं और ऐसे ही ऊपर से महिला नजर आने वाले किसी व्यक्ति में पुरुषों वाले गुण और ऑर्गन हो सकते हैं। तो कैसे कोई शिशु ट्रांसजेंडर बन जाता है? डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान ही शिशु का लिंग बनता है। शिशु के लिंग निर्धारण के प्रोसेस के दौरान अगर कोई चोट, टॉक्सिक खान पान, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे किसी वजह से पुरुष या महिला बनने के बजाय दोनों ही लिंगों के ऑर्गन से गुण आ जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस दौरान सबसे ज़्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए। तो किसी भी शिशु के ट्रांसजेंडर बनने के जो संभावित कारण है वो बताने जा रहे हैं। पहला है बुखार। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में महिला को बुखार आया हो और उसने कोई हैवी मेडिसिन ले ली हो तो अफेक्ट हो सकता है। फिर है मेडिसिन। प्रेगनेंसी में महिला ने कोई ऐसी दवा ले ली हो जिससे शिशु को नुकसान हो सकता हो, जिसे टेराटोजेनिक ड्रग कहते हैं। फिर टॉक्सिक फूड होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएँ टॉक्सिक फूड खाएँ जैसे केमिकली ट्रीटेड या पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट वेजिटेबल्स खा लिए हों ज़्यादा, तो फिर इफेक्ट पड़ सकता है बच्चे पे। एक्सीडेंट या बीमारी भी वजह हो सकती है। प्रेगनेंसी के 3 महीने में कोई ऐसा एक्सीडेंट या बीमारी जिससे शिशु के ऑर्गन्स का नुकसान पहुंचा हो। फिर है जेनेटिक डिसऑर्डर। 10 से 15% मामलों में जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी शिशु के लिंग निर्धारण पर असर पड़ता है। फिर एडियोपैथिक या फिर अज्ञात कारण भी हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होने के अधिकांश मामले एडियोपैथिक होते हैं, यानी कि इनके कारणों का पता नहीं चल पाता है। अबॉर्शन की दवा भी कभी कभी अफेक्ट करती है। अगर महिला ने बगैर डॉक्टरी सलाह लिए अपने मन से अबॉर्शन की दवा या घरेलू उपाय अजमाए हों तो हो सकता है कि ट्रांसजेंडर पैदा हो। तो प्रेगनेंसी में जो सावधानियां रखनी है वो हम आपको बता देते हैं। बगैर डॉक्टर के सलाह की कोई भी दवा नहीं खाएं। बुखार या दर्द जैसी आम तकलीफ के लिए भी नहीं प्रेगनेंसी के दौरान। हेल्दी डाइट लें। किसी भी तरह के टॉक्सिक फूड या ड्रिंक लेना बिल्कुल अवॉइड करें। थायराइड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, मिर्गी जैसी बीमारियों में डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में बुखार या कोई दूसरी तकलीफ को भी सीरियसली लेकर डॉक्टर को दिखाएं। प्रेगनेंसी के दौरान शराब, सिगरेट या नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करें। नींद की दवा भी यदि आप लेते हैं तो पूछ कर लीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।